अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं khiri.com। 11 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन गुजर चुका है और इस वक्त रात के 11:30 बज चुके हैं। आप जिधर भी निगाह उठाइए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत तैयबा के हवाले से चारों तरफ सजावट है, रोशनी है, और जिधर देखिए उधर एक धूमधाम है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के विलादत तैयबा के मौके पर। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यानी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मुख्तलिफ जगहों पर जुलूस मोहम्मदी भी बरामद होंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त खीरी टाउन का मंज़र है और खीरी टाउन के बाज़ इलाकों का khiri.com ने दौरा किया और देखा कि चारों तरफ कई मोहल्लों में बेहतरीन सजावट की गई है। गलियों, कूचों और सड़कों को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। बिजली के कुमकुमे हैं और जो फूल हैं, फूलों की लड़ियों से पूरे पूरे रास्ते सजा दिए गए हैं। ख़ास तौर से मोहल्ला जोशी टोला, खीरी टाउन का मोहल्ला जोशी टोला, इसके अलावा मोहल्ला शेख सराय, मोहल्ला सैयदवाड़ा, और अभी सजावट हो रही है, अभी काम मुकम्मल नहीं हो पाया है, सजावट हो रही है। मैंने कई अंजुमनों के ज़िम्मेदारों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी पूरी रात सजावट भी होगी। मोहल्ला सैयदवाड़ा में पुलिया के करीब गेट भी बन रहा है, उन लोगों ने भी बताया कि ये अभी काम पूरी रात भी होगा और कल दिन में भी ये काम होगा। तो मुकम्मल तौर पर जब आप सजावट देखेंगे तो वो कल की शाम होगी। हज़रत मखदूम वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने के करीब भी और उनकी मज़ार शरीफ पर भी शानदार सजावट की गई है। जिधर भी कस्बे में आज आप निकल जाइए, सड़कें सजी हुई हैं, दुकानें सजी हुई हैं, मकान सजे हुए हैं, स्कूलों को सजाया गया है, मस्जिदों को सजाया गया है, मदरसों को सजाया गया है। जिधर भी आप नज़र डालेंगे उधर सजावट मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि ये सजावट सिर्फ पैसे वालों ने की है, अमीर व कबीर लोगों ने की है, बल्कि कुछ आपको ऐसे मकान भी आपको देखने को मिलेंगे कि अगर छप्पर, एक छप्पर भी पड़ा हुआ है तो उस छप्पर पर भी सजावट की गई है। तो ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत के मौके पर ये सारी सजावट है, ये सारी धूमधाम है और चारों तरफ एक नूरानी माहौल है और ऐसा लगता है कि अनवारो तजल्लियात की बारिशें हो रही हैं। आसमान से लेकर ज़मीन तक एक तरह से अनवार की बारिशें हो रही हैं, नूर की बारिशें हो रही हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के जश्न विलादत का मौका है। तो आप देखते रहिए, हमने कुछ जगहों को की सजावट को और जो तैयारियां हो रही हैं उनको शूट किया है और khiri.com आपकी खिदमत में ये खूबसूरत, बहुत ही रूह परवर मनाजिर आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। आप देखते रहें और khiri.com को सब्सक्राइब ज़रूर करें।